दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर और मेरे साथ हम हैं। शाह जहाजेब और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप? ठीक है। और आज एक और जो है ना इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो आपके लिए ले गए हैं, और ये वाकई में कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। वो इसलिए कि आज तक हमने हाईएस्ट पेड एक्टर्स देखे, एक्ट्रेसेस देखे, क्रिकेटर्स देखे, लेकिन आज तक हमने ये नहीं हाईएस्ट पेड डायरेक्टर्स कौन से हैं, जो कि असल कहानी होती है जिनकी, जिन्होंने मूवी डायरेक्ट करनी होती है, डायरेक्शन करनी होती है। एक्टर ज्यादा कमाते हैं या डायरेक्टर? मेरे ख्याल में एक्टर्स, डायरेक्टर्स कम होते हैं। आज देखेंगे कि इनकी कितनी फीस है। वैसे हमने देखी भी है हाईएस्ट इंडिया इंडिया के हैं, उनकी 70 करोड़ पर 50 करोड़। क्या एक मूवी की है? एक मूवी बनाने का 50 करोड़ देते हैं एक्टर। हाँ वो एक्टर तो है, वो आमिर खान, सलमान खान, इनकी 50 साल। अब देखते हैं इनका क्या हिसाब किताब है। बहरहाल सबसे पहले वीडियो में नाम लेंगे हम, अनिल KSP हैं जिन्होंने कहा था इस वीडियो पे रिएक्शन दे, और उसके बाद हैं जी मनस दिबारमा हैं, और हैं अमन सरोज, इन्होंने कहा था इस वीडियो पे रिएक्शन दे। और अब हम स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube video and never miss another update. ऐसा स्टार न्यूज़ वालों, ऐसा स्टार न्यूज़ वालों की है कि चंद दूर से टैंक हाईएस्ट पेड डायरेक्टर्स नीस नीस गर्मी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. मतलब जहाँ पे मूवी देखते हैं कि ये हिट हो सकती है उस हिसाब से वो भी पैसे मांगते होंगे। मेरे ख्याल से इनकी भी कोई एक जुबान नहीं है, बस पठानों वाला रेट है। नहीं, पठानों वाला रेट नहीं हो रहा। अब एक्टर लगा
एक्टर के हिसाब से होगा, कुछ 200 कटाओ यार। यहाँ पता लगेगा, ये लग रही है मूवी 500 तक जाएगी या 1000 तक जाएगी, वहाँ पे अब मेरे 50 करोड़ तो लेना है यार। यार कोई नहीं, कोई यार पता लग ही जाता है। अरे पुराने पे आ गया ये यार को भाई, आपने पहले हमारी मूवी बनाई थी अब भाई देखो, पहले आपने 50,000 रुपये लिया था, मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा। अब वो कम बता के अपने गाँव खराब तो नहीं कर सकते ना, कि उसने आपने उसे इतने लिए, मेरे से इतने क्यों ले रहे हो। अक्सर होता है ना कि हमारे पास खान साहब आते हैं ना, जो सामान बेचने के लिए, तो वो कहते हैं मड़ा ये तुमको हम 1,000 रुपये का देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये पठान का रेट है, तो पठान का रेट ज़्यादा ही होगा। हम कहते हैं लाला बात सुनो, 200 आखिरी रेट है, 200 रुपये देंगे आपको, बताओ। वो फिर कहेगा नहीं यार नहीं, 200 नहीं भाई नहीं, इतना नहीं होता, चलो आप 300 दे दो। चलो नहीं नहीं, हमने से देने नहीं भाई, देखो ना तुम्हारा ना हमारा, 250 रुपये दोगे। नहीं भाई मैंने कहा ना 200 रुपये दूंगा, दो चलो लाओ दो, चलो चलो यार 1,000 से इतना कम मूवी है, इस तरह ही करते हैं वो पठान। फिर हम सोचने में पड़ जाते हैं यार कि 200 भी ज्यादा तो नहीं बता दिया। हाँ ये बात है, हम भी फिर भी हम शुक्र अदा नहीं करते, हम ये सोचते हैं शायद उसने बताया ज्यादा था। यार अब ये ही पता कि सलमान खान भी ऐसा तो नहीं करते हैं। नहीं नहीं सलमान सल्लू भाई का भाई एक रेट है, ब्रांड है। मूवी तो मूवी कह रहा हूँ, टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर्स तो बहुत है, नहीं मैं संजू भाई सबको जानते हो, जानता था मैं जो है ना, वो क्या नाम है, इसलिए मैं भी जुड़वा वाले जो पापा और बेटा जो थे वरुण धवन के पापा, उनको मैं जानता था। वैसे मुझे कोई कहे कबीर सिंह का नाम सुनो, और कबीर खान उनका नाम पता था, वो भी सलमान खान की मूवीज बनाते हैं। और जो दूसरे आए थे मैंने बीच में जो नाम लिया था कि यार इन्होंने तो जो ना सल्लू भाई की मूवी का वो करते हैं, तो एक टाइगर जिंदा है, नहीं नहीं टाइगर जिंदा है वाले, ठीक है उनको भी मैं जानता था। ट्यूबलाइट वालों ने सही मोछा लगा, ट्यूबलाइट वाले ने भाई ने तो बड़ा ही मोछा लगाया कबीर खान ने, 45 करोड़ रुपए खा गए। नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कोशिश की है मूवी बनाने की, बहुत अच्छी कोशिश की है, कोशिश तो लेकिन मूवी की स्टोरी कोई नहीं बनी ना, मतलब वो ऐसे नहीं कर रहे थे और वो धंधला आ जाता था, तो ये मूवी स्टोरी लोगों को पसंद नहीं आई। वैसे मैं तो कभी, मुझे तो शौक था देखने का आखिर होगा क्या मूवी में, लेकिन वैसा निकला नहीं। क्या मूवी नहीं नहीं भाई, मैंने सिर्फ मैंने मूवी इंजॉय की थी, मैंने इंजॉय इसलिए की थी कि मैंने देखा सल्लू भाई की मूवी आ गई, मैंने देखी थी बस, मुझे अच्छी लगी। लेकिन मैं एक लिहाज से इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम देखें ना उसके अंदर क्या कहते हैं बॉक्स ऑफिस पे, उसमें फ्लॉप होगी ना पीछे, नहीं स्टोरी भी इतनी कोई नहीं मिल रहता है। स्टोरी थी ये कि मेरे ख्याल से चाइना से वही लगी थी, ये वो जो वार होती है ना। हाँ लेकिन सो गाइस वीडियो बहुत अच्छा है, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताना। जाने से पहले आप सकेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।